प्रदेश के विभिन्न सरकारी अस्पतालों में बीते लंबे समय से कर्मचारियों की भारी कमी चल रही है, जिसके चलते मरीजों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में विभाग के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द तमाम ऐसे अस्पतालों में कर्मचारियों की भरपाई करना है, जहां पर बीते लंबे समय से वार्ड बॉय और स्टाफ नर्सों जैसी कर्मचारियों के पद खाली पड़े हैं। हालांकि स्वास्थ्य महानिदेशक विनीता शाह ने बताया कि प्रदेश के सभी जिलों के सीएमओ को निर्देश दिए गए हैं और कहा गया है कि जहां जहां अस्पतालों में कर्मचारियों की कमी चल रही है, ऐसे अस्पतालों में खाली पड़े पदों को जल्द भरा जाए, ताकि मरीजों को किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। हालांकि ये कहना मुश्किल है कि कब तक खाली पड़े पदों को भरा जाएगा। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। अनुसार उनकी तैनाती करने के लिए सीएमओ को निर्देशित कर दिया गया है और कार्यवाही चल रही है। कब तक उम्मीद जताए मैम कि ये अलग अलग सीएमओ को निर्देशित किया है, तो उस हिसाब से वो कार्यवाही कर रहे हैं। जनपद रुद्रप्रयाग के दुरस्त ग्रामीण क्षेत्र में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के अलग अलग राज्यों के लाभार्थियों से सीधा संवाद किया। उन्होंने वर्चुअल के माध्यम से वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में सभी से सहयोग देने का आह्वान किया। आपको बता दें कि जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखंड अगस्त्य मुनि की ग्राम पंचायत कोट और ग्राम पंचायत कोटागी में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर विभिन्न विभागीय अधिकारियों ने ग्रामीणों को सरकार की संचालित योजनाओं के विस्तार से जानकारी दी। विधायक भरत सिंह चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। उन्होंने कोट गाँव में विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम हेतु ग्रामीणों को बधाई दी। इस अवसर पर उन्होंने उपस्थित विभागीय अधिकारियों, कर्मचारियों और ग्रामीणों को विकसित भारत संकल्प की शपथ भी दिलाई। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। देवी ग्राम कोटी से रुद्रप्रयाग, मुझे उज्ज्वला गैस की योजना मिली है। पहले हम जंगल जाते थे लकड़ी के लिए, अब हमें बहुत आसान हो गया। मोदी जी ने हमें बहुत सपोर्ट कर दिया। आज हमारे गांव में जो प्रधानमंत्री जी का जो कार्यक्रम रखा गया था, विकसित संकल्प भारत यात्रा, उसके माध्यम से आज प्रधानमंत्री जी ने सीधे हम लोगों से बात की और इसमें काफ़ी लोगों की भीड़ इकट्ठा थी राजकीय इंटर कॉलेज कोटगी में। हमें भी यात्रा के तहत रुद्रप्रयाग जनपद में दो जगहों पर ये एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था, जहां प्रधानमंत्री महोदय का लाइव टेलीकास्ट सभी लोगों ने सुना। और मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ लोगों में काफ़ी उत्साह था, कुछ नई टेक्नोलॉजीज़ को लेकर यहाँ पर हमने लोगों के सामने डेमोन्स्ट्रेशन किया। जहाँ तक हमारे जो संकल्प भारत यात्रा है, वो हमारे प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी का ड्रीम है कि हमारा देश 2047 तक अपना विकसित देश हो। देखिए, विकसित भारत संकल्प यात्रा इस समय पूरे देश में चल रही है और उसी कड़ी में आज ग्राम पंचायत कोट में ये यात्रा पहुंची है और मोदी जी की गारंटी के नाम से जो वाहन यहाँ पर आए हैं, बहुत बड़ी तादाद में क्षेत्रीय जनता यहाँ पर आई और बहुत तन्मयता से उन्होंने मोदी जी को